इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके बाद अर्जुन एक्साइटेड होते हुए बोलता है, राम काका आप उस मेघ गांव और चुड़ैल की कहानी सुनाओ, अब तो दिन भी है तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। तब राम काका कहते हैं, मैं तुम्हें कहानी नहीं हकीकत बताऊँगा। आज से 18 साल पहले बलमा टोला, दास गांव और मेघ गांव के सरपंचों ने मेघ गांव की एक औरत को जिंदा जला दिया था। और उस औरत को क्यों जलाया गया था ये बात तो उन तीनों सरपंचों को ही पता थी। तभी अनन्या बीच में बोल पड़ती है, बिना किसी औरत का गुनाह जाने उसे क्यों जला दिया गया, ये तो बहुत ही अन्याय की बात हुई। तब राम काका बोलते हैं, बात तो बहुत गलत थी लेकिन मरने के बाद वो औरत अपना बदला पूरा कर रही है। उसने पहला शिकार बिरजू को बनाया था और दूसरा शिकार मेघ गांव के सरपंच दनपत राय को बनाया था, जिसकी लाश उसके घर के सामने स्थित कुएं में मिली थी और उस कुएं की दीवार पर 3 बार साधु लिखा हुआ था। ये वही शब्द थे जो मरते वक्त उस औरत के मुंह से निकले थे। इससे ये बात साबित हो गई थी कि दनपत राय को उस औरत ने ही मारा था। तब समीर पूछता है, ये साधु का अर्थ क्या होता है? तब अर्जुन जवाब देता है, साधु पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा कहा, अच्छा किया और बहुत अच्छा किया। इसके बाद राम काका बोलते हैं, उस औरत का श्राप लगा है मेघ गांव को, किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी चिता को जलाया नहीं जा सकता और इसकी शुरुआत भी दनपत राय की मौत के बाद हुई थी। जैसे ही दनपत राय का बेटा उसकी चिता को आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है, उसके बेटे के अंदर अपने आप परिवर्तन होने लग जाते हैं, उसकी आंखों की पुतलियां गायब होने लग जाती है और उसके पांव तिरछे हो जाते हैं और उसके मुंह से एक औरत की डरावनी आवाज़ आने लगती है, मना किया था ना कि किसी की चिता नहीं जलेगी इस गांव में, अब तुम सब की चिता एक साथ यहाँ पे जलेगी, तुम सब मरोगे। उस बच्चे की डरावनी आवाज़ सुन करके माँ खड़े सभी लोगों के दिल दहल जाते हैं। वो लड़का फिर औरत की आवाज़ में बोलता है, मैं अपना बदला पूरा करके रहूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, साधु साधु साधु। उसके बाद उस लड़के के शरीर में से उस औरत की आत्मा निकल जाती है और वो लड़का बेहोश होकर के जमीन पर गिरने लगता है। तभी उसके हाथ की मिसाल दनपत राय की चिता पर पड़ जाती है और उसकी चिता जलने लगती है। पर जैसे ही उसकी चिता जलने लगती है, आसमान के काले बादलों में से घनघोर बारिश होने लगती है। उस दिन और पूरी रात बारिश होती रही। जब अगले दिन बारिश रुकी तो सुबह की किरण के साथ दनपत राय की चिता को जलाने का दोबारा प्रयास हुआ पर चिता नहीं जली। तब तीनों गांव के सबसे बड़े पुजारी सुशीलाचार्य को बुलाया गया, जिनकी उम्र 60 साल थी। उन्होंने अपने सफ़ेद लंबे बालों का सर पर जूड़ा बनाया हुआ था और अपनी दाढ़ी को नीचे से बांध रखा था। वो दनपत राय की चिता पर गंगा जल डालकर ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं कि मेघ गांव को उस औरत का श्राप लगा है, उस औरत की मृत्यु जलने के कारण हुई थी, इस कारण वो अब मेघ गांव में किसी की भी चिता को जलने नहीं देगी। पंडित सुशीलाचार्य की बात सुनकर के वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वो पंडित सुशीलाचार्य से बोलते हैं, पंडित जी हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है, अगर सब को जलाए नहीं तो फिर आखिर क्या करें, आप ही कुछ उपाय बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ।